तो गाइस अगर आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस या फिर वेब होस्टिंग जो है परचेज करना है वो भी 50 रुपीज़ ओनली मंथली में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में जो आपको वेब होस्टिंग बताऊंगा उसमें यहाँ पे आपको लाइट स्पीड वेब सर्वर दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे स्पीड वेब को फास्ट रहेगा साइट का, एंड प्लस आपको सी पैनल कंट्रोल पैनल दिया जाएगा एंड आपको स्टोरेज में यहाँ पे SSD जो है यूज़ किया जाएगा। तो कौन सा वो साइट है वो सब जानेंगे वीडियो को पूरा देखे। सो वे हेलो गाइस, वे टेक्निकल पारस 98 के एक और नए वीडियो में स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो सी हम वेब होस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आपको जो है वीडियो में आगे पता ही लग जाएगा, पर उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो ना पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन जो है आ जाए। सो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करें। सो गाइस यहाँ पे आपको मार्केट में यहाँ पे काफ़ी सारे वेब होस्टिंग मिल जाएगी जिनके यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ना, उससे आप अफोर्ड भी कर पाते, प्लस यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई प्राइस होने के बाद तक भी यहाँ पे आपको सी पैनल प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए मैं तो आपको ये बोलूँगा अगर आप होस्टिंग लो तो सी पैनल होस्टिंग लो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो जिस होस्टिंग बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है h2hosting.in। तो सिंपल से यहाँ पे जो है गूगल पे लिख सकते हो h2hosting, पहला लिंक आएगा उधर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का यहाँ पे वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप आ सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड डोमेन एंड होस्टिंग जो है इन वन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, एंड प्लस यहाँ पे आपको फ्री SSL दिया जाता है एंड 99% अपटाइम एंड वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड नीचे देखो तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दिया गया है एंड लाइव चैट यहाँ पे दिया ही गया है, तो इसलिए सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे आपको एफिलिएट भी मिल जाता है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एफिलिएट भी कर सकते हो, एफिलिएट में काफ़ी अच्छा कमीशन है, उससे भी यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखो इनका जो होस्टिंग है मेन वर्डप्रेस वगैरह यहाँ पे फुली ऑप्टिमाइज है एंड यहाँ पे देखो फुली फंक्शन ही होस्टिंग मिलता है एंड सिक्योर्ड आपको यहाँ पे डाटा डाटा कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सपोर्ट तो यहाँ पे आपको मिलता ही है एंड प्लस यहाँ पे आपको वेबसाइट बिल्डिंग मिल जाता है जो कि ईजी है, मैनेज वर्डप्रेस डेडिकेटेड सपोर्ट। अगर चाहो तो अपनी वेबसाइट को माइग्रेट भी करवा सकते हो, अगर आप इनकी होस्टिंग लेते हो फ्री में आपको माइग्रेशन करके दे देंगे। एंड यहाँ पे देखो तो स्मॉल बिजनेस है, अगर आपका छोटा है मतलब आपका बजट कम है, आपका ट्रैफिक भी नहीं है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ से आपके वेब होस्टिंग मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको मीडियम मतलब कि मीडियम आपका नाम है बिजनेस है जिसमें कि यहाँ पे आपको 1000 से ज़्यादा रियल टाइम आता है तो यहाँ पे वो क्लाउड होस्टिंग मिल जाता है उसके लिए जो कि मेनली मीडियम बिजनेस के रहता है। बाकी उससे भी पूरा अगर आपका रियल टाइम जाता है तो यहाँ पे आपको VPS होस्टिंग भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो क्लाउड होस्टिंग है वो यहाँ पे 200 रुपीज़ से ओनली चालू है, बाकी कंपनी से जाओगे तो आपको इससे भी ज़्यादा प्राइस देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये 200 रुपीज़ में कला प्रोवाइड कर रहा है एंड यहाँ पे आपको जो है VPS होस्टिंग भी मिल जाता है जो कि वो भी 450 रुपीज़ के क्रिएट का जो है स्टार्टिंग है। तो क्या करते हैं यहाँ पे जितने भी होस्टिंग है सबको यहाँ पे हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेड होस्टिंग की, तो सेड होस्टिंग के टैब में यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो 50 रुपीज़ का जैसे नाम है मंथली प्राइस लिखा गया था, तो 50 रुपीज़ का 50 है ना पे आपको पर्सनल प्लान है इसका नाम। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट होस्टिंग विद SSD आपको दिया जाएगा, 2 GB का SSD दिया जाएगा जो कि हाई परफॉर्मेंस क्लाउड बेस होने वाला है। एंड मेडमिन यहाँ पे आपको 100 GB का मिल जाता है जो कि मतलब इनफ ही, यहाँ पे आप 50 रुपये अगर आप पे कर रहे हो मतलब कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है तो 100 GB मेडमिन जो है ना पे इनफ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा जो कि हर एक डोमेन के लिए रहेगा, एक डोमेन के लिए नहीं है। एंड होस्ट वन वेबसाइट कर सकते हो, 5 ईमेल अकाउंट फ्री डोमेन आपको मिल जाएगा अगर आप एनुअल परचेज करोगे। एंड यहाँ पे आपको जो है 1 GB रैम यहाँ पे मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको कुछ 300 का रियल टाइम हैंडल कर सकता है। एंड अगर आपको रियल टाइम का मतलब नहीं पता तो मतलब कि रियल टाइम का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे यहाँ पे काफ़ी बंदे आपकी साइट को ओपन करें, तो यहाँ पे आपको 300 ना पे इन्होंने गारंटी दिया हुआ है कि अगर 300 लोग एक ही बारे में आपका वेबसाइट ओपन करेगी तो कोई भी ना पे दिक्कत नहीं होगा कि उससे ज़्यादा अगर आपका स्पीड स्लो हो सकता है। एंड नीचे जाके यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हो, बाकी सारे प्लान भी आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब सिमिलर ही रहते हैं, किसी में रैम बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि रैम तो सब में सेम है, बाकी यहाँ पे जो है स्टोरेज एंड वेबसाइट लिमिट एंड अदर चीज़ें जो है इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड अपने रिक्वायरमेंट एंड अपने बजट के हिसाब से होस्टिंग ले सकते हो। चलो फिर बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग की, अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा है एंड आपकी URL से तो वेबसाइट हो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। यहाँ पे आपको 10 GB का SSD दिया जाएगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा एंड बाकी सारे डिटेल्स तो ये सब चेक कर सकते हो। एंड फ्री डोमेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको 2 GB रैम मिलेगा जो कि 600% आप रियल टाइम जो हैंडल कर सकते हैं, गारंटी देते हैं। एंड बाकी सारे यहाँ पे आपको प्लान मिल जाएंगे, अपने हिसाब से ले सकते हो। अब बात करते हैं VPS होस्टिंग की, तो VPS भी यहाँ पे आपको
मिल जाते हैं, 1 कोर का है, 4 कोर का प्लान है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्राइस वगैरह जो है चेक कर सकते हो, एंड यहाँ से जो है उस होस्टिंग को जो है परचेज कर सकते हो या फिर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके। चलो फिर अब मैं आपको लाइव यहाँ पे एक होस्टिंग जो है परचेज करके बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। तो जस्ट 50 रुपीज़ का प्लान है, तो हम यही परचेज करेंगे, परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे। एंड जस्ट यहाँ पे आपको डोमेन का मिलेगा, जहाँ तो नया डोमेन ले सकते हो। एंड जो डोमेन अगर आप 1 साल का होस्टिंग लोगे तो ही मिलेगा, तो हम 1 साल का तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डोमेन, क्या नाम नेम से अपडेट कर सकते हैं, कह रहे इन्हीं का सब डोमेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम से अपडेट करेंगे, एंड यहाँ पे मैं जो है कोई भी अपना एक डोमेन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम जो है .com डाल लेते हैं, अभी मैं कोई भी डोमेन डाल लेता हूँ, बाद में इंग्लिश स्पोर्ट को बोल के डोमेन जो है चेंज भी करवा सकता हूँ। तो जस्ट मैं यूज़ पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा चेकआउट का पेज आ चुका है। एंड यहाँ पे देखो तो 50 रुपीज़ का नाम है, 50 रुपीज़ से प्लान, एंड यहाँ पे कोई सैलरी मिलेगा ना, मेरे को माइग्रेशन में फ्री है, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल। एंड चाहो तो मंथली ले सकते हो, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। 1 साल का लोगे तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे अलग भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 3 वर्ड का लेना चाहते हो क्या, 2.5 साल का, मतलब सारे टाइप के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पे मैं आपको मंथली यहाँ पे जो है परचेज करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मंथली लेने वाले, क्योंकि कोई भी इतना बजट नहीं होता कि वो एक ही बार में 1 साल का होस्टिंग ले ले। तो जस्ट यहाँ पे हम चेकआउट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो है चेकआउट का जो है बटन मिले, जस्ट यहाँ पे हम जो है क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे को अकाउंट का बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो कहाँ पर आना मैं नहीं जाते, देखो बिलिंग डिटेल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले का अकाउंट में उसको मैं लॉगिन कर लूँ। एंड नीचे यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट बटन में हमारा सेलेक्ट है, पेटीएम, UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, इन सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, एंड यहाँ पे फिर ये हमको जो है चेकआउट के पेज पे भेज देगा। तो देखो यहाँ पे हमको पेमेंट गेटवे पे भेज दिया है, जहाँ पे हम जो है पेटीएम, UPI, गूगल पे, जिससे उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट पे नाउ पे क्लिक करते हैं, एंड आपके सामने देखोगे तो यहाँ पे का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपको दिख देगा, परपज आप वेब होस्टिंग ले रहे हो। एंड 50 रुपये का यहाँ पे आपका अमाउंट है, तो यहाँ पे जैसे आप अपना ईमेल डाल दो, एंड ईमेल डालने के बाद जैसे आप ईमेल वही डालना जिससे हमने होस्टिंग लिया है, एंड जस्ट फिर प्रोसीड करना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का पेज आ देगा। तो अगर यहाँ पे आप मोबाइल में ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको ऐप के ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे हमको QR कोड दिया गया है। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे अपने मोबाइल से यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो पेमेंट अमाउंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे पेमेंट जो अपने मोबाइल से कर दिया है। सो पेमेंट करने के बाद जैसे यहाँ पे जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्लिक करना है टिक पे। एंड जस्ट फिर जब आप पेमेंट करते हो यहाँ पे आपको एक UTI ID मिल जाता है जब आप पेमेंट कर देते हो। तो सिंपल से उस UTI ID को यहाँ पे आपको डालना है, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको डाल देना है, इसी से आपका पेमेंट जो है वेरीफाई होगा। जस्ट फिर आपको रिसीट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन कैप्चर हो चुका है, थैंक्स वी रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, एंड जो सर्विस आपका जो है 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाता है, यहाँ पे हम इनको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिल नहीं जाता 1-2 मिनट में आपका यहाँ पे एक्टिवेट ही हो जाता है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आता है मतलब आपका सर्विस एक्टिवेट नहीं होता है, एंड यहाँ पे आपको जल्दी एक्टिवेट चाहिए तो इनको कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर इनको मैसेज कर दो कि मैंने ऑर्डर करा, इनवॉइस आईडी है, ऑर्डर आईडी है, तो वो आपका चेक करके यहाँ पे आपका सर्विस जो है जल्दी से जो है एक्टिवेट कर देंगे। बाकी मेनली जल्दी हो जाता है, बाकी अगर आप रात के 2-10 बजे ऐसे करोगे तो हो सकता है आपको 24 घंटे लग जाए, बाकी मेनली हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक बार h2st.com पर जाके अपने क्लाइंट एरिया में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा सर्विस एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो देखोगे नहीं हुआ भी, 3 का 3 ही सर्विस है, मैंने अभी 3 सर्विस एंड 3 डोमेन में पहले का था। इनवॉइस देखोगे तो अभी तक यहाँ पे पेंडिंग ही दिखा रहे हैं, तो हम इधर क्लिक करते हैं। देखो अभी भी यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर जो है वेट कर रहे हैं, देखो डिटेल्स भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो अभी तक तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सर्विस जो है यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो चुका है, हमारा पेमेंट यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। एंड जो हमारा ऑर्डर है यहाँ पे देखो ऑर्डर प्लेस्ड भी लिखा रहा है, यहाँ पे आपको अपना ऑर्डर आईडी भी देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जैसे आप जो है कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पर क्लिक कर सकते हैं, एंड सिंपल से यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। एंड फिर देख सकते हो सर्विसेज यहाँ पे हमारा चार हो चुका है, तो इधर हम क्लिक कर लेते हैं। एंड जस्ट यहाँ पे देख सकते हो ये सर्विस मेरा अभी अभी लिया, तो मैं इधर ही क्लिक करता हूँ। एंड जस्ट यहाँ पे काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाता है, आप सी पैनल मैनेज कर सकते हो। सो सी पैनल ओपन करने के जैसे हमें लॉग इन टू सी पैनल में आपको क्लिक करना है। सो देख सकते हो हमें बिल्कुल आपको नाम सी पैनल दिया है।
यहाँ पर आप सीपर से जो भी फीचर रहते हैं सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात रही यहाँ पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो वन क्लिक पे वर्डप्रेस नाम इंस्टॉल होता है। नब जस्ट नीचे आना है आपको यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेज्ड बाय सॉफ्टवेयर कुलिस मिलेगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लें। एंड यहाँ पे जो है वन क्लिक पे यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका साइट का डिटेल्स है, डोमेन है, साइट का नेम, वो सब डाल के जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस को। बाकी जो नेम से हमें गए वो डिटेल्स आपको ईमेल में मिल जाता है। बाकी अगर आपको ईमेल नहीं आता तो जैसे हमें होता है प्रोफाइल करके मैं क्लिक करूँ एंड ईमेल हिस्ट्री में आपको जाना है ना, मेरे को न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नाम से मिलेगा, इधर क्लिक करना है। तो अगर आपको ईमेल नहीं आता तो यहाँ से आप जो अपने ईमेल जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारा सीमेल का डिटेल्स एंड नेम सर्वर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो सर्वर आईपी भी है, सर्वर नेम भी है एंड नेम सर्वर मिल जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ से कॉपी करके अपने डोमेन में जो है डाल सकता हूँ। तो बस इस वीडियो में नहीं था, वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल पर नया टॉक को बताइए। तो बस इस वीडियो में नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।